आगे बढ़ते हैं इसी बीच एक और बड़ी खबर है। हरियाणा में एक ही दिन में 318 नए केस दर्ज हो गए हैं। कुल एक्टिव मामलों की संख्या 1109 हो चुकी है। गुरुग्राम में कोरोना के 170 से ज्यादा नए मामले, पंचकुला में 39 कोरोना के केस सामने आ चुके हैं। फरीदाबाद की भी वही स्थिति है, 21 नए मामले दर्ज कर लिए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से बैठक भी की गई थी और उन्होंने कहा था कि अब मास्क लगाना जरूरी है क्योंकि एक बार फिर कोरोना एक्टिव होता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि पंचकुला में 39 कोरोना के मामले आ चुके हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो मामले हैं वो गुरुग्राम में है। इस वक्त की बड़ी खबर है, फरीदाबाद में 21 मामले दर्ज कर लिए गए हैं। तो फिलहाल 179 केस गुरुग्राम में दर्ज हो गए। हरियाणा में एक ही दिन में 318 नए केस दर्ज हुए हैं। तेजी के साथ ये आंकड़े बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कुल एक्टिव मामलों की संख्या 1109 पहुंच गई है। अब से अगर बीते महीने की बात कर लेते हैं तो कोरोना पूरी तरीके से शांत था, लेकिन अब एक बार फिर कोरोना के जो मामले हैं उनमें तेजी यहां पर देखने को मिल रही है। ऐसे में स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की तरफ से भी लगातार बैठक की गई है। स्वास्थ्य विभाग लगातार तैयार है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अस्पतालों का जायजा भी लिया गया है। अस्पतालों में भी पूरे प्रबंध यहां पर देखने को मिल रहे हैं, लेकिन लोगों को गाइडलाइंस का पालन अब करना होगा क्योंकि बहुत तेजी के साथ ये मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं।